मेरा जो वैश्यू है, जब भी 3-4 दिन बारिश होती है तो इसका जो लेवल है जो कि बढ़ जाता है, और हमारा जो इसका मेजर करने का तरीका वो खड़वनी में है, और जहाँ पर हमारा अराउंड 8.5 फीट जो हमारा एक रेड लाइन है और उसमें ऑलमोस्ट टच हो गया है। जिस तरीके से अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अंदेशा किया है कि कल भी बारिश हो जाएगी, रात भर हो जाएगी, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा दौरा किया है उन एरियाज़ में जो हमारे बड़े क्रिटिकल एरियाज़ है, जो कि फ्लड प्रोन है, जैसे कि इसमें प्राणहल आता है, अस्थल आता है, लाइसू, गुदर और छमगुण का एरिया आता है, और लो लाइंग जो हमारे कोईमू है, खड़वनी है, तो इन जगहों पर हमारी पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पे हैं, चाहे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, हमारे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के जो लोग हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं, और हमने ये जो सारे लोग हैं हमारे यहाँ पर जो इन एरियाज में रहते हैं उनको रेड अलर्ट पर रखा है, और जो हमारे कुछ खानाबदोश लोग हैं जो कि यहाँ पर आड़े में रहते हैं उनको भी रेस्क्यू किया गया है, जो कि हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन प्लान है उसके तहत हम लोगों ने रेस्क्यू सेंटर्स बनाए हैं, और वहाँ पर हमने इन लोगों को हम ले गए हैं और इनको बाजाता सहूलियात दे रहे हैं, जो भी इनको चाहिए खाना कंबल, और कोशिश कर रहे हैं कि जो है प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ का नुकसान सबसे कम हो, और एक अच्छे प्लानिंग के साथ हम लोग इसको फेस कर पाए। और मुझे रिक्वेस्ट है सारे लोग जो यहाँ पर कुलगाम के हैं कि वो वेंचर ना करें आसपास, वैश्यो के आसपास, क्योंकि इस वक्त राइज थोड़ा जो इसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को और खुद भी इसके नज़दीक आने मत दें। और मुझे लगता है इंशाल्लाह कल तक अगर बारिश रुकेगी तो इसका लेवल डाउन हो जाएगा, और बाकी हमारी सारी तैयारियां हैं और हमारी पूरी टीम जो है वो ग्राउंड पे है, और हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे भी कंट्रोल सेंटर्स बनाए हुए हैं जो कि हमने शाया किए हैं पूरे मीडिया से, और मुझे आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उन नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, जहाँ ताकि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़े तो उनको हम दे सकते हैं। थैंक यू। सुपौल में आप क्यों नहीं गए? चलेगा, हाँ चले जाओ, घर का मालिक आएगा। वो किधर है?